नमस्कार। सुखाड़ योजना से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ। सुखाड़ योजना पर लगातार जो है वो बैठक चल रही है। ये जो है वो पिछले दिनों का बैठक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तीन तीन मंत्री जो है, एक मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और साथ में स्वास्थ्य मंत्री, तीनों बैठे हुए हैं। और यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने सूखे के आकलन को लेकर के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को दिए गए निर्देश, अधिकारियों को कई प्रकार का निर्देश दिया गया है। 2/9/2022 यानी 2 सितंबर की ये बैठक है, जिसमें जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो तय की गई है। अब इसमें जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि सुखाड़ से निपटने के लिए सरकार जो है वो उच्च स्तरीय बैठक कर रही है और सुखाड़ से निपटने के लिए जो है वो लगातार नियम कानून बनाने का प्रयास कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सूखे से किसानों, पशुपालकों, मजदूरों को राहत देने के लिए अतिशीघ्र विस्तृत योजना तैयार किया जाए। यानी सूखे से राहत देने के लिए किसानों को, मजदूरों को, इन लोगों को राहत देने के लिए विस्तृत योजना तैयार किया जाएगा। साथ में मनरेगा के माध्यम से जो है वो कृषि, पशुपालन, सिंचाई, ग्रामीण विकास, मनरेगा, पेयजल समेत कई प्रकार की योजनाओं का जो है वो लाभ किसानों और मजदूरों को दिया जाएगा। इसके अलावे मनरेगा के माध्यम से कच्ची सड़क का निर्माण, तालाब डोभा का निर्माण, खेतों में मेड़बंदी, इस प्रकार की चीज़ों को जोड़ करके जो है वो किसान और मजदूरों को राहत पहुंचाया जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं रिपोर्ट, मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि 15 अगस्त तक जो बारिश हुई है उसमें, उसके मुताबिक 131 प्रखंड में जो है वो मध्यम सूखा पड़ा है, जबकि 112 में गंभीर सूखा पड़ा है। और पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो अब तक 37% फसलों की बुआई हो पाई है। धान 30%, मक्का 63%, दलहन 44%, तिलहन 40% और मोटे अनाज 28% ही मात्र बुआई हो सकी है। और इसके लिए जो है वो योजनाएं तैयार की जा रही है। आपको मैं एक और यहां पर दिखा दे रहा हूं। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सूखे की स्थिति को आकलन करने के लिए 12 सितंबर को फिर से एक बार बैठक करेंगे और उसमें तय करेंगे कि किन किन जो है वो प्रखंड को या किन किन जिलों को जो है वो सुखाड़ घोषित किया जाएगा। अभी तक जो है वो किसी भी जिले को सुखाड़ घोषित नहीं किया गया है। तो ये थी एक जो अपडेट। और साथ में इसके अलावे मैं अब आपको वेबसाइट पर ले चलता हूँ। ये है झारखंड राज्य फसल राहत योजना यानी सुखाड़ योजना की ऑफिशियल वेबसाइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बदलाव आपको दिख रहा होगा, वीडियो, यहाँ पर एक वीडियो दिख रहा है। ये जो है वो JRFIR इंस्पेक्शन ऐप, इसमें एक वीडियो, इस पर जब आप प्ले करेंगे तो आपके सामने एक वीडियो खुलेगा और इस वीडियो में बताया गया है कि किसान मित्र जो है वो किस प्रकार से आपको जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेंगे, मतलब आपके डेटा का वेरिफिकेशन करेंगे। जब आप इस वीडियो को प्ले करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये JRFIR का जो है वो ऑफिशियल जो है वो यूट्यूब चैनल्स है, जिसमें आप देख सकते हैं तमाम चीजों को कि किसान मित्र के पास आपने जो चीज ऑनलाइन किया इस पोर्टल पर आकर के वो जाएगा आपके इलाके के किसान मित्र के पास। किसान मित्र उस डेटा को वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद जो है वो ब्लॉक लेवल जो है जिनके पास आईडी पासवर्ड है वो लोग फिर आगे वेरीफाई करेंगे। जब अब यहाँ पर आएंगे तो नीचे में जो है वो वही दिया हुआ है कि ब्लॉक लेवल पर जो है वो इसका वेरीफिकेशन किया जाएगा, पहले किसान मित्र इसका वेरीफिकेशन करेंगे उसके बाद। तो अब जो है वो इसमें जांच भी यानी इंस्पेक्शन भी शुरू हो चुका है, मतलब अब इस योजना का क्रियान्वयन लगभग आप मान सकते हैं कि 100% हो चुका है और अब जो है वो पैसा मिलना आप लोगों को तय है। जिस प्रकार से सुखाड़ घोषित किया जाता है उसी प्रकार से आपको इसमें पैसे मिलेंगे। तो ये थी अपडेट इस योजना से जुड़ी हुई। और साथ में मैं आपको यहाँ पर आपके कुछ सवालों का भी जवाब देने जा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने कई प्रकार के सवाल पूछे हुए हैं झारखंड राज्य फसल राहत योजना से संबंधित। सबसे पहले अविनाश सिंह जी ने पूछा हुआ है कि प्रोफाइल में नाम ऑटोमेटिक चेंज हो गया और एडिट नहीं हो रहा। देखिए अविनाश जी, इस प्रकार की समस्या तो किसी के साथ नहीं आई थी। अगर आपके साथ ऐसा आया है तो फिर आप एक बार प्रोफाइल अपडेट कर देखिए, करने की कोशिश कीजिए। अगर फाइनल सबमिट नहीं किए हैं तो फिर आप प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। अगर फाइनल सबमिट कर दिए होंगे तो शायद ये नहीं हो सकेगा। एक अन्य राजेश पटेल जी ने पूछा हुआ है कि डायरेक्ट ऑनलाइन करने से दिक्कत है क्या। देखिए राजेश जी, डायरेक्ट ऑनलाइन करने से कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम आराम से करिए। सारे लोग जो है वो इसी वेबसाइट पर आकर के डायरेक्ट ऑनलाइन कर रहे हैं और उसके बाद KYC कराने के लिए आपको अलग से CSC सेंटर या प्रज्ञा केंद्र जाना होगा, मतलब आपको प्रज्ञा केंद्र या CSC सेंटर जाना होगा ऑनलाइन करने के बाद। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है, सुबोध लाल सोरेन जी ने, सर जिसका पहले रजिस्ट्रेशन हुआ उसका EKYC कैसे करेंगे। देखिए जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसको सिर्फ CSC सेंटर जाना है, वहाँ पर EKYC कर लेना है। मैं आपको इस पर एक वीडियो बना करके दिखाऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करते रहिए। मैं आपको इस पर एक वीडियो बना करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे करना है।
और अगला जो एक क्वेश्चन पूछा गया है वो है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से संबंधित। तो चलिए मैं इसके बारे में बता देता हूँ। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत में जो है ये मुख्यमंत्री कृषि मुख्यमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का ही नया नाम है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपने आंगनवाड़ी केंद्र में जाना है, वहाँ पर सारे डिटेल फॉर्म और जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आप वहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र में जमा कर दीजिए। फिर आंगनवाड़ी केंद्र की जो सेविका है वो उसको ब्लॉक में ले जाकर के पहुँचा देंगे और फिर आपका जो है वो इसमें इनरोलमेंट हो जाएगा। आप इसी प्रकार से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से इसमें अप्लाई नहीं किया जा सकता है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में, जिसका पुराना नाम हुआ करता था मुख्यमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। कुमार प्रदीप जी ने पूछा हुआ है कि सर जी मेरे अगर परदादा के नाम पर जमीन है तो कौन सा फॉर्म भरना है। देखिए, अगर आपके परदादा के नाम पर जमीन है मतलब आपकी जमीन है, और वैसी स्थिति में जो है वो आपको ये जो घोषणा पत्र रैयत जो है अनुलग्नक वन ये वाला आपको भरना है। आप देख सकते हैं अनुलग्नक वन यही वाला फॉर्म आपको भरना है। अगर आप दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं मतलब किसी अन्य लोग की जमीन पर, आपके परदादा नहीं किसी दूसरों की परदादा के जमीन पर खेती करते, बटाईदार होते, तो फिर आपको जो है वो ये सहमति पत्र और घोषणा पत्र लगता है। लेकिन अगर आप अपने परदादा के जमीन पर खेती करते हैं, आपकी जमीन है वो, तो वैसी स्थिति में आपको घोषणा पत्र के ऊपर जो सबसे ऊपर वाला है उसके ऊपर क्लिक करके उसी को भरना है, अनुलग्नक वन को भरना है। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने जो पूछा हुआ है कि सर भूमि फाइल एवं फसल जोड़ों का ऑप्शन नहीं आ रहा है। देखिए, ये कभी कभी टेक्निकल मिस्टेक होता है, कभी कभी सर्वर की समस्या होती है जिसके कारण से आपको जोड़ने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप जो है वो ट्राई करें, कुछ देर बाद आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। साथ में इन्होंने ये भी पूछा है कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए। देखिए भाई साहब, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं शेयर कर सकते, आप भी समझने की कोशिश कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं शेयर किया जा सकता। बाकी मैं आपकी मदद जो है वो हमेशा कमेंट बॉक्स से करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद ज्ञान वास्तु ने लिखा हुआ है, लगभग 200 का किया है, ईकेवाईसी नहीं हुआ है। देखिए, अगर ईकेवाईसी नहीं हुआ है तो उनको प्रज्ञा केंद्र जाना होगा या सीएससी सेंटर जाना होगा, वहां पर जाकर के उनको ईकेवाईसी करना होगा। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति अपने अगल बगल में कोई भी सीएससी सेंटर से या कोई भी सीएससी सेंटर सीएससी सेंटर या प्रज्ञा केंद्र के पास जाइए और बोलिए कि वो अपना आईडी पासवर्ड दे दे, तब जाकर के आप केवाईसी कर सकते हैं, अगर आपको खुद करना हो तो। वारिस कादरी जी ने पूछा हुआ है, सबमिट कर दिए उसके बाद कैसे नाम सुधारें। देखिए, अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो कोई चांस नहीं है नाम सुधारने का, आपको एडिट करने का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता है। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है कि नाम गलत अपलोड हो गया, दूसरा नाम बाकी सब डॉक्यूमेंट सही है। अच्छा, नाम गलत हो गया, बाकी सारा डॉक्यूमेंट सही है, तो देखिए सुधार तो नहीं कर सकते। बाकी अब देखने वाली बात है कि जब वेरिफिकेशन होगा उस समय आप क्या कर पाएंगे। आप एक बार किसान मित्र और ब्लॉक लेवल में जाकर के बात करना होगा, अगर हो सकता है वहाँ से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ये सब सुधार हो पाना ये पॉसिबल नहीं है। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है, टॉयलेट पर वीडियो बनाइए। मतलब मैंने एक शौचालय के ऊपर वीडियो बनाया हुआ था, तो मैंने तो इस पर वीडियो बनाया था भाई साहब, आप उसे देख लीजिए पुनः एक बार। बस मैंने ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस नहीं बताया था क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जिसको मैं अप्लाई करके आपको दिखा सकूं, इसीलिए। सॉरी, सीएससी से केवाईसी नहीं करना है क्या, किसी अन्य व्यक्ति ने पूछा। जी नहीं, करना ही है, ऐसा अभी तक जो जानकारी मिली है। मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी पूछा, उन्होंने भी बताया कि केवाईसी सभी को करना है। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है, बेबी कुमार महतो ने, कि धनबाद जिला सूखा घोषित हुआ क्या। देखिए, अभी कोई जिला सूखा ग्रस्त घोषित नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में हो जाएगा। सर जी, पासबुक और आधार के बिना क्या लिखा हुआ, सर जी पासबुक और आधार के बी के हिसाब से अपलोड करना है, नहीं ले रहा है, क्या करें। देखिए, मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि जितना के भी आपको बनाना है उसको किस प्रकार से आप बना सकते हैं, तो मेरे चैनल पर वीडियो है, आप हमारे चैनल पर वीडियो जरूर देख लीजिए। माँ मनसा चैनल वीडियोज ने पूछा हुआ है कि टीसी सर्टिफिकेट मिल गया, अप्लाई कर दिए हैं सीएससी के लिए, 6 महीना हो गया लेकिन अभी तक मिला नहीं है। देखिए, अगर अभी तक आपको नहीं सीएससी आईडी मिला है तो आप जिस जिले के हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है, सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, एक बार जाकर के आप उनसे बात कीजिए कि क्यों नहीं आपको मिल रहा है, वहीं से आपका समस्या का समाधान हो पाएगा। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है, बी यूनिक ने, कि सर प्रिंटर के ऊपर वीडियो बनाइए। ठीक है भाई साहब, मैं कोशिश करूंगा प्रिंटर के ऊपर वीडियो बनाने का। इसके बाद संजीत कुमार ब्लॉग ने पूछा हुआ है कि मैंने अप्लाई किया है और फेल भी हो गया, अब क्या करना होगा।
ये TEC सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर आपने अप्लाई किया और फेल हो गया तो फिर से आप ट्राई कीजिए, क्या दिक्कत है। फिर संजीत कुमार ब्लॉग ने पूछा TEC सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, मैंने अप्लाई करने का तरीका बताया तो ऑनलाइन अप्लाई कीजिए आपको TEC सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपके कुछ कुछ सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और साथ ही अगर आपको अन्य किसी प्रकार से कोई परेशानी होती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश हर हमेशा करते रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।